मन जीता तो जग जीता। मन बड़ा बलवान शत्रु है, इससे युद्ध करना भी अत्यंत दुष्कर कृत्य है। इससे युद्ध में एक विचित्रता है। यदि युद्ध करने वाला दृढ़ता से युद्ध में संलग्न रहे, निज इच्छा शक्ति को मन के व्यापारों पर लगाए रहे, तो युद्ध में संलग्न सैनिक की शक्ति अधिकाधिक बढ़ती है और एक दिन वह इस पर पूर्ण विजय प्राप्त कर लेता है। मन को दृढ़ निश्चय पर स्थिर रखने से मुमुक्षु की इच्छा शक्ति प्रबल होती है। मन का स्वभाव मनुष्य के अनुकूल बन जाने का है। उसे कार्य दीजिए, वह चुपचाप नहीं बैठना चाहता। यदि तुम उसे फूल फूल पर विचरण करने वाली तितली बना दोगे तो यह तुम्हें न जाने कहाँ कहाँ की खाक छनवाएगा। यदि तुम उसे उदंड रखोगे तो यह रात दिन भटकता ही रहेगा, पर यदि तुम इसे चिंतन योग्य पदार्थों में स्थिर रखने का प्रयत्न करोगे तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बन जाएगा। जब जब तुम्हारे अंतकरण में वासना का प्रबल वेग उत्पन्न हो, निश्चयात्मक बुद्धि को जागृत करो। मन से थोड़ी देर के निमित्त पृथक होकर इसके व्यापारों पर तीव्र दृष्टि रखो। बस विचार श्रृंखला टूट जाएगी और तुम इसके साथ चलायमान न होगे। मन के व्यापार के साथ निज आत्मा की समसौरता न होने दो। इसी अभ्यास द्वारा यह आज्ञा देने वाला न रहकर सीधा साधा आज्ञाकारी अनुचर बन जाएगा। अखंड ज्योति, मार्च 1945, पृष्ठ 72।